क्या कहता है ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन हम आपको शुरू से ले चलेंगे और वहां से दिखाएंगे। देखिए डेटा यानी कि आंकड़ा, ये होता क्या है, दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं, विज्ञापन, सूचना तंत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। कुछ संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं जिन्हें हम डेटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। मतलब आप कुछ नहीं समझ पाए तो इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आप मौसम के बारे में खबरें सुनते हैं कि बीते सोमवार को आई तेज आंधी पानी में 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें जो 10 लोगों की संख्या है ये एक डेटा है। अभी कोरोना काल की महामारी में लाखों लोग मौत के गाल में समा रहे थे, वो सरकार के लिए एकमात्र डेटा हो रहे थे बस और कुछ नहीं। लेकिन किसी की फैमिली के लिए वो पूरी कायनात होते थे, उनकी क्या बोलते हैं मतलब पूरी जिंदगी। इनकी कुछ विशेषता होती है डेटा की, इन्हें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लिखा है ना आंकड़ों की विशेषताएं। भैया देखो आप मीडिया में खबरें सुनते हो, कहते हो कि ये मीडिया जो है बिक चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, दलाल हो चुका है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। आप जाके सोशल मीडिया पे देख लो, कमेंट देख लो, न्यूज जो चैनल देते हैं उन चैनल का कमेंट जाके देखो, लोगों ने कैसे भर भर के गालियां दिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेटा की विशेषता है। आप पढ़ो ध्यान से, पहला आपके स्क्रीन पर है। आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य से ही एकत्रित किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सरकार, आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, सरकार ने क्या किया था, भारतीयों के जो भी अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट, स्टूडेंट थे, इनके कुछ महत्वपूर्ण डेटा को कंपनियों को बेचा था। तो जो कंपनियों ने लिया था वो कुछ गलत काम नहीं करेंगी, वो करेंगी क्या पहले सुनो, कुछ तो बेचा था, कुछ क्या होता है कि हैकर्स वगैरह चुरा लेते हैं, तो ये क्या करेंगे आपका, कुछ तो जो गलत हाथ में जाएगा फ्रॉड वाला काम करेंगे। जैसे बैंक वगैरह डेटा लेते हैं कि स्कूल कॉलेज लेते हैं, मतलब कहीं से भी मिल जाए तो छात्रों का, तो वो छात्रों से कॉन्टेक्ट करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए कि भाई देखो हमारे यहाँ ये कोर्स चल रहा है, आप उसे ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हमारे यहाँ ये डिग्रियाँ मिलती हैं, तो उससे बच्चे जो है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, वो इस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आंकड़े केवल साधन प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे पिछली बीती रात अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 25 लोग मारे गए, इनमें 25 लोगों का आंकड़ा है, लेकिन वो 25 लोग किस तरह से मारे गए हैं, वाहन के नीचे कुचल कर मारे गए, फिर वाहन में घसीट कर मारे गए, या फिर अत्यधिक गंभीर चोट लगने के बाद मारे गए, यह स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो डेटा होता है वो केवल साधन प्रस्तुत करता है, निष्कर्ष नहीं बताता है डेटा में कि कैसे क्यों हो गया, मुख्य हेडलाइन एक प्रकार से होती है बस। आगे देखिए, सभी आंकड़े 100% सही नहीं होते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण हो तो ये डेटा जो है, आंकड़े जो है, वो गलत भी साबित हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल तो ये आम बात हो चुकी है, बहुत सारे क्राइम होते हैं, अगर कोई प्रकार का पुलिस से कनेक्शन होता है अपराधी का, तो यहाँ तक कि मेडिकली जो रिपोर्ट आती है पीड़िता की या पीड़ितों की, वो भी गलत निकलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डेटा में हेर फेर किया जाता है। अगर अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण होती है, तब मीडिया वाले सरकार के पक्ष में अगर खबरें दिखाते हैं तो सरकार की बड़ाई करते हैं, भले जनता की ऐसी तैसी हो रही, उससे उनके कोई मतलब नहीं है। हमने ये आपको बताया कि आंकड़े 100% सही नहीं होते हैं यदि इनमें अनुसंधानकर्ता, मतलब जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, जैसे मान लो कोई प्रकार की घटना हो गई तो जो उसकी जांच कर रहा है, अगर उसकी भावना पक्षपातपूर्ण होती है तो उन आंकड़ों में हेरफेर की जा सकती है, उन्हें गलत भी किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में मुख्यधारा के मीडिया को देख सकते हैं, जिसकी भी सरकार रहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं करता हूँ, उस पक्ष के बारे में अच्छी अच्छी खबरें दिखाई जाती हैं, सच छुपाया जाता है, झूठ को सच बना दिया जाता है, सच को झूठ बना दिया जाता है। कमेंट करके बताइएगा क्या ये बातें सही हैं कि गलत हैं, सबके लिए है, किसी एक पार्टी या विशेष के लिए नहीं है। तो एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय महंगाई एकदम चरम पर है, पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो पेट्रोल की कीमतें कई शहरों में 117 से 120 रुपए पहुंच चुकी हैं, डीजल भी 100 के ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार इनके बारे में कभी चर्चा नहीं कर रही है। जबकि अगर बात करें, अभी कहेंगे कि पॉलिटिक्स की बात हो गई, तो पिछली सरकार में अगर 60-65 रुपए पेट्रोल होता था तो लोग धरना देते थे आकर के, लेकिन हम लोग अब जो कहते हैं ना, अगर वो क्या बोलते हैं उसे, गुलामी सहने की आदत अगर हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी समझ लो थोड़ा सा, अगर इंसान को थोड़ा सा दर्द होता है तो वो चिल्लाता है, रोता है,
लेकिन कभी कभी दर्द बहुत ज्यादा होता है तो आदमी की आवाज नहीं निकलती है। तो उसी तरह से इस समय जो है ये महंगाई कुछ ज्यादा हो गई, इसलिए जनता शांत हो गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक था इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा चर्चा किया। अगला है आंकड़े, संख्याओं का वो संग्रह है जो सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, आंकड़ा या कोई डेटा अगर कोई इकट्ठा करेगा तो क्यों करेगा, सूचना के लिए ही करेगा। अगला देखिए, ये डेटा की मैं विशेषता दिखा रहा हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो पूरा एंड तक देखिएगा, जाइएगा नहीं बीच में। आंकड़ों में गणितीय शुद्धता का भी अभाव होता है। जैसे किसी योजना में अगर सरकार के द्वारा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, 8,12,328 रुपये खर्चा होता है, तो मीडिया वालों की जो मुख्य हेडलाइन होती है दिखाया जाता है उसमें, सरकार ने दी 8 लाख रुपए की सौगात, ऐसे जो है मोटा मोटा एक प्रकार से बातें की जाती हैं, जहाँ पर 12,328 रुपए की चर्चा मैंने हेडलाइन में नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक ये हमारी अपनी सोच है जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, अब ये आप लोग बता सकते हैं कितना इसके लिए सटीक है। हमारे हिसाब से तो 100% सटीक है कि डेटा जो है वो गणितीय शुद्धता के रूप में जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, जो लोग कहीं से डेटा एकत्रित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, आखिर ये डेटा हमें कहां कहां से मिल सकता है, इसके बारे में अध्ययन करें। लेकिन क्लास को आपको एंड तक देखना है, कहीं जाना नहीं है, मैं हूं यहीं आपके पास में ही, लेकिन हमें आपको स्क्रीन दिखाना ज्यादा जरूरी है, इस वजह से मैं आपको स्क्रीन दिखा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब फिर से उस पेज पे आगे बढ़ते हैं। आंकड़े कहां कहां से मिल सकते हैं, आंकड़ों के मुख्य प्रकार के दो स्रोत होते हैं, या फिर आंकड़ों के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत, दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा सरकार अगर कोई एडवाइजरी जारी करती है, कोई प्रकार का आदेश या कोई प्रकार का नियम देश में लागू करती है, तो वो प्राथमिक डेटा स्रोत लोगों को उपलब्ध कराती है। कहने का मतलब ये कि वो डेटा वो मुख्यधारा की मीडिया को बताती है या टीवी चैनल वालों को बताती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन उन टीवी चैनलों से या अखबार से मान लीजिए हमने खबर सुना, हमने पढ़ा, और भाई पड़ोसी में किसी को नहीं पता है कि कल से नोटबंदी लागू होने वाली है, हाँ, तो हम जाके बता दिए सबसे कल से नोटबंद हो रहा है, जो जो रखे हो जा खरीद लो जल्दी जल्दी, मतलब समझ रहे हो। तो जो मैंने आंकड़े दिए उसको डेटा, मतलब जानकारी बताया कि हाँ भाई कल से बंद हो रहा है, सब कुछ सूचना दिया ना उसे, वो द्वितीयक डेटा स्रोत मैं बना, क्योंकि मैंने उसको दिया जानकारी, फलाने को बगल वाले को, तो उसके लिए सूचना का स्रोत तो मैं बना ना, मैं बताया ना। लेकिन मुझसे सरकार ने तो बताया नहीं था फोन करके कि भाई PVR स्टडी वाले बता दो सबसे, क्योंकि सरकार ने तो मुख्य धारा की मीडिया से बताया था। तो जो मीडिया है वो प्राथमिक डेटा स्रोत है, ठीक है, मतलब जिसको पहली बार और जानकारी मिली, उसके बाद फिर उसको लोगों ने कॉपी कास्ट पेस्ट किया, वीडियो से देख देख करके लोगों को बताया, तो द्वितीयक हो गया। उदाहरण आप देखिए, दैनिक समाचार पत्रों, टीवी चैनल आदि द्वारा प्राप्त खबर प्राथमिक आंकड़ा होती है, ये लेखक के अपने विचार हैं जिनको उन्होंने PDF फाइल बनाया है, मतलब हमारे द्वारा। द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जो किसी प्रकाशित या फिर अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर समाचार पत्रों की कटिंग करके कि हाँ भाई फलानी खबर निकली है, तो वो जो आप खबर देखते हो वो द्वितीयक डेटा स्रोत है, पहला नहीं है, पहला तो वो पेपर है जिसकी उन्होंने कटिंग लिया है। यहाँ पे से एक और उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं, मोहन समाचार पत्र में पढ़ता है कि बोर्ड की परीक्षाएं मार्च महीने में शुरू हो रही है, और वो रमेश को बताता है, तो रमेश को मिली ये सूचना अर्थात आंकड़े के लिए आंकड़ा प्राप्त करने का जो द्वितीयक स्रोत है वो मोहन होगा। यहाँ से आप एक बार फिर से समझ लो कि मोहन समाचार पत्र में पढ़ा परीक्षा के बारे में और वो रमेश को बताया, तो सूचना प्राप्त करने के लिए या आंकड़ा के लिए जो द्वितीयक स्रोत है वो मोहन है, क्योंकि मोहन ने पढ़ा था और अगले को बता रहा है, तो मोहन क्या हो गया, द्वितीयक डेटा स्रोत हो गया, क्योंकि वो और लोगों को शेयर कर रहा है, ये खबर जो है वो प्रकाशित खबर है, ठीक है। और इसकी खबर की जानकारी तो डायरेक्ट सरकार ने उसे बताया नहीं था कि भाई बंद हो रहा है बता दो या पेपर होने वाला है। आगे देखिए, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के साधन क्या क्या होते हैं, भाई प्राथमिक आंकड़े कैसे कैसे मिल सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत प्रेक्षण द्वारा या प्रयोग द्वारा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भैया रात में दही खाना नुकसानदायक होता है, खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, तो अब ये प्राथमिक डेटा हुआ, फिर मैंने इस खबर को निकाला, फैलाया, कुल वायरल किया कि रात में दही खाना बड़ा नुकसानदायक है, लेकिन मुझे मिली कैसे,
मैंने प्रयोग किया, एक दिन मैंने खा लिया एक कटोरा एक बाल्टी दही, और रात में लगे कप्पड़ कप्पड़ करने, तो क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ, मैंने क्या किया, प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया कि भाई ये गड़बड़ होता है। इसलिए हमने ये जानकारी और लोगों को बताया, मतलब ये व्यक्तिगत प्रेक्षण किया, प्रयोग किया, तो हमें यहाँ से प्राथमिक डेटा मिला। दूसरा, साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची या अन्य विधि द्वारा, ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण विधि है प्राथमिक डेटा प्राप्त करने की। यहाँ पर आप ध्यान देना, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग ना महसूस हो इसलिए बीच बीच में आकर के मैं थोड़ा थोड़ा हाथ वाथ हिला देता हूँ। एक्चुअली ये समझने वाली चीज है जो आप पढ़ रहे हो, पहले डेटा आपको समझना है, फिर हम आपको पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ दिखाएं, ये हम आपको समझ, बस ज्यादा नहीं, दो चार पाँच मिनट और बचाएं, देख लीजिए, अच्छा है, अगर समझना है ध्यान से सीरियसली पढ़ना है तो देख लीजिए। चलिए फिर से चलते हैं उस पेज पर और आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साक्षात्कार प्रश्नावली अनुसूची या अन्य विधि द्वारा, मतलब प्राथमिक डेटा लेने का और भी संसाधन है, जैसे यहाँ पे लिखा अनुसूची या अन्य विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का इंटरव्यू हुआ कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो भाई मोदी जी के साक्षात्कार से एक प्रकार से ये खबर निकली कि मोदी जी आम को चूस कर खाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये प्राथमिक डेटा मिल गया ना, किसको मिला, न्यूज वालों को मिला, किससे मिला, मोदी जी के साक्षात्कार से, जहाँ तक हमारा मतलब यही हुआ। अगर इसमें आपको कोई गड़बड़ लग रहा है एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर करिएगा। द्वितीयक आंकड़ों के साधन, आप कहोगे आम और इमली के बारे में काहे बात कर रहे हैं, भाई न्यूज में सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा, बहुत पहले की बात है, ये इंटरव्यू हुआ था माननीय मोदी जी का, इसलिए मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ। द्वितीयक आंकड़ों का साधन है प्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित स्रोत, ठीक है, द्वितीयक डेटा यहाँ दोनों जगह से लिए जा सकते हैं। अगला है अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या होता है, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत ही कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, वो अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। मतलब कि आंकड़े कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो बहुत घुले मिले होते हैं, एकदम खिचड़ी होते हैं, उनको तुरंत देख करके नहीं समझा जा सकता है कि मतलब इनका क्या सिस्टम है, आप समझ रहे हो ना, बहुत प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो चुनाव होता है, तो ये सब न्यूज बातें इसलिए कर रहा हूँ जो आपके लोगों से संबंधित है। चुनाव होता है, वोट पड़ता है हर एक बूथ पे, उसके बाद सभी के वोट बंद हो जाते हैं ईवीएम में, कहते हैं कि इनके फलाने फलाने किस्मत बंद हो गई ईवीएम में, लेकिन तुरंत उसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन जीत गया कौन हार गया। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े तो मिल गए, डेटा तो मिल गया है कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन वो अवर्गीकृत है, वो व्यवस्थित नहीं है, बिखरे हुए हैं, फलाने कोटों में पड़ा है, फलाने को में पड़ा है, फलाने को में पड़ा है, तो क्या करेंगे, जब इनकी मतगणना होगी तो सभी मत अलग अलग किए जाएंगे, भाई ये बीजेपी वालों का है, ये समाजवादी पार्टी का है, ये बसपा पार्टी का है, ये कांग्रेस पार्टी का है, मतलब समझ रहे, उनको वर्गीकृत किया जाएगा, उन आंकड़ों को, उन वोटों को एक सिस्टम से रखा जाएगा कि भाई फलानी पार्टी को इतना मिला, फलानी को इतना, फलानी को इतना, लेकिन जिस दिन वोट पड़ा उस दिन सब एक खिचड़ी है, जिन्हें बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा या डेटा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे भाई बड़ी राजनीति की बात कर रहे हैं, देखो भाई मछली को समुद्र में रहना है और पानी से परहेज करे, ऐसा हो नहीं सकता, इस देश की आपकी छोटी सी बड़ी चीजें देश की राजनीति से चलती हैं, अरे नियम कानून राजनीति वाले ही लोग बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे ना तो शिक्षा की ऐसे ही ये पाट लगाते रहेंगे, अनपढ़ गवार लोग अगर आएंगे, आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने और वोटिंग जरूर करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसे वोट करोगे, अपनी इच्छा अनुसार किसी को करो, लेकिन पढ़े लिखे लोग को करो, समझदार लोग को करो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, ना कि आपको कमार बनाए, समझ रहे हो, कोई भी चीज करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, नहीं तो बात ज्यादा हो जाएगी, हाँ टॉपिक पे चलते हैं। आंकड़ों के बारे में आप समझ गए, अवर्गीकृत आंकड़े जैसे मैंने वोट वाला बताया, दूसरा पढ़ाई वाले में देख लो, किसी परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों में से कितने छात्रों ने 50% से अधिक अंक हासिल किए हैं, यह आंकड़ा हमें सिर्फ छात्रों की संख्या जानकर तुरंत नहीं निकाला जा सकता है हमारे द्वारा, जब तक कि हम सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। इसके बाद अब हम आपको लेकर के चलेंगे मुख्य जो आपका पाठ्य का हिस्सा है उस पे लेके चले, जिसका नाम है, पता है क्या है भैया नाम,
क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ या बार ग्राफ ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से ग्राफ बने होते हैं, तो ये क्रिप्टोग्राफ क्या है, कैसे बनाते हैं इसको, इसके बारे में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। हमारे साथ स्क्रीन पर बने रहिएगा, ठीक है। चले आपको क्रिप्टोग्राफ दिखाते हैं क्या है। चलिए स्क्रीन पे आ जाओ जल्दी से फटाफट सभी। पहले इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बना के भी दिखाएंगे। देखिए कह रहा कि पिक्टोग्राफ किसी बारंबारता सारणी के अनुसार बनाया जाता है। इस प्रकार के आलेखों में वर्ग अंतराल समान होते हैं, उन्हें यक्ष अक्ष पर अंकित करते हैं। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष अभी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, पहले आप इसको समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ग अंतराल पर एक आयत बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग की बारंबारता को प्रदर्शित करता है। पहले वर्ग अंतराल को यक्ष अक्ष पर लेते हैं और उसे एक भुजा मानकर एक ऐसा आयत बनाते हैं जिसकी ऊंचाई संगत बारंबारता के बराबर होती है। उसके निकट ही यक्ष अक्ष पर दूसरा वर्ग अंतराल लिया जाता है और उसके ऊपर दूसरी वर्ग की संगत बारंबारता के ही बराबर लंबाई का दूसरा आयत बनाते हैं। ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे तब, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। देखिए और अभी समझिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार जितने भी वर्ग अंतराल होते हैं उतने ही आयत एक दूसरे से सटे हुए बना दिए जाते हैं। इस प्रकार के आलेख को ही पिक्टोग्राफ या आयत ग्राफ कहा जाता है। ये सारी कहानी आपको समझ में नहीं आई, मुझे पता है, ये समझ में आपको तब आएगी जब हम आपको इसको बना के। चलिए हमारे साथ स्क्रिप्ट पे आ जाइए। देखिए अभी तक आपने जो किताबी भाषा थी वो पढ़ लिया है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं। अब हम किताबी भाषा को किनारे रखते हुए अब हुआ तब हकीकत में आपको पिक्टोग्राफ बना के दिखाते। देखिए जैसा कि अभी आपने पढ़ा, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमें वर्गांतर और बारंबारता की आवश्यकता होती है, तो वो हमें दिया है, बिना इसके हम पिक्टोग्राफ नहीं बना सकते। ध्यान दीजिए पिक्टोग्राफ या आयत ग्राफ जो होता है वो कैसे बनाते हैं समझिए। यहाँ पे आपको वर्गांतर दिया है, दिख रहा होगा 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, आप देखो इनमें 10-10 का गैप है। तो हम सबसे पहले अभी जैसा कि पढ़े हैं यक्ष अक्ष और वाई अक्ष के बारे में, देखिए आप मैथ में पढ़े होंगे इस तरह से होता है, बीच में है ये जो रेखा क्षैतिज वाली होती है हॉरिजॉन्टल वाली को यक्ष अक्ष बोलते हैं, इधर साइड यक्ष डैश अक्ष बोल, आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा 9th, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते। तो इसमें साथियों जो हम लोग पिक्टोग्राफ बनाते हैं वो इसी क्षैतिज वाली रेखा पर जो होती है इसी पे इन आयत को या पिक्टोग्राफ को खड़ा किया जाता है। इन्हें हम एक किनारे से शुरू करते हैं, कहाँ से, 0 वाले स्थान से, मतलब यहां से शुरू करते हैं कहने का मतलब। अब देखना समझ, यहां पर हमें एक पैमाना भी मानना होता है। पैमाना का मतलब जैसे ने यहाँ पर ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं जो भी वहां सुटेबल हो। एक बारंबारता बराबर 10 छोटे खाने, जैसे देखो यहाँ पर बारंबारता 10 है ना, 9 है, 11 है, तो एक बारंबारता का मतलब 10 छोटे खाने। और इधर मैंने पैमाना लिया है कि 10 वर्गांतर बराबर 10 छोटे, कुल मिला के इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, आप केवल देखते रहिए, आप बिना इसके समझे भी आप ये चीज कैसे। पहला वर्गांतर 0 से 10 तक है ना, अगर यहाँ पर हम गिनती लिखे भाई 0 यहीं से शुरू होगा ना, यक्ष अक्ष का 0 यहीं होगा ना, 0 से 10 तक मतलब ये मान लो यहाँ तक है, लेकिन ये क्या होगा ऐसे ऊपर को बढ़ता जाएगा। अब कहोगे भाई ये कहाँ तक जाएगा, ये 0 से 10 वाले का जो लिमिट है वो बारंबारता 10 तक है, इधर वाली क्या है बारंबारता लिखी होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं, मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ, आप लिख लो इसे, जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए पर अलग है वो, तो इसकी लिमिट 10 तक है, तो ये हम 10 तक ले जाएंगे, यानी हम इसको लाके मिल, ठीक है, ये हमारा बन गया कौन सा, पहला वाला बन गया 0 से 10 तक वाला जिसकी बारंबारता लिमिट 10 तक। वैसे 10 से 20 तक वाला क्या करेंगे भाई, ये 0 से 10 तक हो गया, इस पे आप चाहो तो ऐसे बना लो, यहाँ पे मैं तो फिलहाल 10 लिख दे रहा हूँ, अगले में 20 लिख दूंगा, लेकिन ये 0 से 10 तक है समझना, अगले में क्या होगा छात्रों, ये 20 इस पे रहेगा,
पे लिखा ना एक वर्गांश, 10 वर्गांतर बराबर 10 छूटेगा, ये कहाँ तक जाएगा? 10 से 20 तक वाला केवल 9 तक जाएगा, क्योंकि सिर्फ 9 तक है तो हम 9 से ही करेंगे इसे। ये समझ रहे हो ना, ज्यादा कुछ नहीं कर, बन गया। अगला देखो 20 से 30 तक वाला 12 तक जाएगा, 20 से 30 तक वाला मतलब ये 30 वाला है ये 12 तक जाएगा, 12 मतलब तो लास्ट। यहाँ से क्या होगा कि आप कहोगे फिर कहाँ से खींचेगा भाई, कि यहाँ से नहीं खींचेगा, बगल वाले का ही एक स्तंभ ये कामन लेगा इसी 12 तक, समझ रहे हो ना। ये बन रहा है किसका, 20 से 30 तक वाले का 12, 30 से 40 तक वाले का सिर्फ 8 तक है, फिर 40 आप लिखोगे, ये सिर्फ 8 तक है, 8 तक है मतलब है? अगला आप समझते चलो, 40 से 50 तक वाला 7 तक है, तो 7 तक मतलब ये इसी के सामने, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। ऐसे आगे देखते जाओ, 50 से 60 तक वाला 7 तक है, इसी तरह से जो भी जितना दिया गया आप खींच लोगे, ठीक है, आप लोग ले लीजिए। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, जल्दी करिए, अभी कुछ सिस्टम में सेटिंग चल रही है, इसको मैं बना देता हूँ, तो फिर और भी क्लासें आपको मिलेंगी ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन, आप बना लीजिए, समझ गए ना। पिक्टोग्राफ यही होता है, पिक्टोग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, बनाने का तरीका आप सीख गए हो, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको इस तरह से डाटा दिया गया है तो आप इसका पिक्टोग्राफ के रूप में दिखा सकते हो, ये किसी भी रूप में डाटा हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया गया है। जैसे इसमें ये भी हो सकता है छात्रों की संख्या, उनका भार, या किसी विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं की संख्या, या टीचर्स की संख्या वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है डेटा में, ये ऐसे ही नहीं हो सकता है, ठीक है, उन्हें आप उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, आगे चलें, ठीक है, देख लीजिए वीडियो को टच करके। अगला देखिए, दंड आरेख या बार ग्राफ, ध्यान देना, ये दंड आरेख क्या होता है, बार ग्राफ। दंड आरेख के लिए ग्राफ पेपर पर दो ऐसी रेखाएं खींचते हैं जहां पर हमारा कर्सर चल रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिनमें से एक रेखा को क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल तथा दूसरी रेखा को ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल होना आवश्यक है। आगे देखते चलिए, क्षैतिज रेखा पर चर के दिए गए मानों को मानों के संगत बिंदु निर्धारित करते हैं, फिर इन बिंदुओं के लंब खींचते हैं, खींचे गए इन लंब और दिए गए बारंबारता की ऊंचाई बराबर होती है, इसके बाद ग्राफ में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं पर लिया गया पैमाना लिख लेते हैं। बार ग्राफ थोड़ा आकर्षक लगे इसके लिए दंडों को रंगीन बना देते हैं। आइए अभी हम इसके बारे में आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, तो स्क्रीन पे आ जाओ सभी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या है पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। देखिए अब इसका एक एग्जांपल आपके सामने, पीछे आपको इन्हें ध्यान से देखना और बनाना है। कह रहा है कि वर्ष 2005 में किसान की जो उपज है उसका विवरण दिया गया है, जिसमें इस किसान को फसल में गेहूं इसकी पैदावार कुंटल में हुई थी 50 कुंटल, यहाँ पे कुंटल में है ये याद रखना, 35 कुंटल, चना 25 कुंटल, तिलहन 30 कुंटल और दलहन ये 15 कुंटल, अभी आपके अलग अलग कैटेगरी की फसलें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को क्या करना भैया, का ग्राफ बनाना है, दंड आरेख बनाना है। कैसे बनाएंगे एक बार सुन लो, ग्राफ पेपर पर समकोण बनाती हुई दो रेखाएं खींचेंगे, दो रेखा समकोण तब बनाएंगी जब वो एक दूसरे को काटेंगी। तो ये ग्राफ पेपर हमारे लिए बोर्ड ही सब कुछ है, हम इस पे क्या करेंगे, दो रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जा रही हूँ। चलो भैया ये भाई सीधा सीधा खींच लो, कंधा नहीं का, ये मैंने क्या किया, ये दो रेखाएं खींच दिया जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, ये समकोण मतलब इस पे बन रहा 90, ठीक है। उसके बाद ये चाहे तो नाम लिख दो, अगर लिखना चाहो ए बी सी डी, या ना लिखो। इसके बाद फिर क्या करना है, रेखा इस वाली पर भाई कुछ ना कुछ नाम लिखो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे ओ लिख लो, यहाँ पे मान लो यक्ष लिख लो, यक्ष अक्ष है ये, पाई है।
अब नाम लिखोगे तभी समझ में आएगा। रेखा क्या क्या खींचा मैंने, ओ एक्स और ओ वाई खींचा समकोण बनाती हुई। अब रेखा जो ओ एक्स है इस पर कोई एक पैमाना मानेंगे, ठीक है, कोई एक पैमाना मान लेंगे और उस पैमाने के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे फसलों के नाम। चलो मैं मान लेता हूँ लगभग 1 सेंटीमीटर अंदाज के, और वैसे सारी फसलों के नाम लिख देंगे। जैसे पहला हो गया गेहूं, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या ये गेहूं, अगला क्या है जौ, समझते चलना, फिर चना, बराबर बराबर दूरी पर ही लिखना है, ज्यादा कम नहीं होता है। तिलहन और दलहन क्या है, तिलहन, अगला क्या है दलहन, क्या समझ में आया, तिलहन और दलहन। अब यहाँ पे समझना, इधर साइड में हमें क्या करना भैया, इधर साइड में भी तो हमें कुछ करना है। यहाँ पर पैदावार जो है कुंटल में, यहाँ पे आप चाहे लिख लो कुंटल में, 50 है, 35 है, 30 है, 15 है, आप देखो जो अधिकतम है वो 50 है, तो हमें इनमें जो नंबरिंग करना है अधिकतम 50 करना है। यहाँ पर आप चाहे तो पैमाना लिख लो, पैमाना में क्या करोगे भैया, 5 कुंटल बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो, या आधा सेंटीमीटर मान लो, हम मान लेते हैं इधर साइड में दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैमाना, भाई पैमाना मतलब एक मानक लेते हैं, तो 5 कुंटल बराबर 0.5 सेंटीमीटर, यानी 5 कुंटल को हम आधा सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा, ये यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर ये 10, 20, ऐसे ऐसे इनको हम लिखते जाएंगे, 10 फिर 15, भाई 5 ही मैंने माना है तो ये 5, 10, 15 रहेगा, 20 नहीं आएगा डायरेक्ट। ऐसे कहाँ तक लिखना हमें, ऐसे हमें लिखना 50 तक लिख, ठीक है। तो इसमें भाई जगह तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम इसी में एडजस्ट करेंगे, पूरा 50 तक लिख। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर पैमाना भी थोड़ा सा चेंजिंग किया है, पैमाना हमने 1 कुंटल को 1 सेंटीमीटर माना है, ठीक है, सॉरी ये 1 कुंटल नहीं 5 कुंटल करोगे, क्योंकि 5-5 का गैप है, समझ रहे हो, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर पे नंबर लिखे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 5 कुंटल हो गया, 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल, तो हमने एक जो है सेंटीमीटर को 5 कुंटल के लगभग बराबर किया है। अब ध्यान देना है गेहूं की पैदावार कितना हो रही है, 50 कुंटल हो रही है, तो भाई 50 सबसे बड़ी गिनती है, यानी जो गेहूं वाला हमारा आलेख ये ऊपर को बढ़ेगा वो कहाँ तक जाएगा, ध्यान देना ये 50 तक जाएगा, याद रखना, ठीक है, गेहूं का कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक। साथियों इसमें और जो अभी आपने देखा था पिक्टोग्राफ, उसमें अंतर है, ये अंतर है कि जो पिक्टोग्राफ की लाइन होती थी वो इसी से सटी हुई होती थी, आपने गौर किया होगा, अगर जैसे गेहूं वाला है तो जो वाला बनाने के लिए हम इसी में से कॉमन लेते, मतलब 3 लाइन में हमारे 2 आयत बन जाते, समझ रहे हो कैसे, ऐसे देखो अगर हम पिक्टोग्राफ की बात करें तो इसमें गेहूं वाला हो गया जौ वाले के लिए ऐसे बन जाता, मतलब लाइनें 1, 2, 3 लाइन में बन जाता, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका सब कुछ अलग अलग रहेगा, समझते चलना, अभी ये बन गया इसका। उसके बाद जौ वाला, जौ का 35 कह रहा है, तो 35 ये यहीं कहीं तक जाएगा, यहाँ ये अपना स्वतंत्र इसका दंड रहेगा, इसका नाम ही दंड आरेख, यानी ये अपना अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, तो अच्छा लगने के लिए बाद में कलरफुल करेंगे, अब हमारे पास तो गोचे आप लोग कर लेना, तो कलरफुल कर दिया जाता है, अगर कलरफुल नहीं करोगे तो फिर दंड आरेख नहीं जाएगा, इन्हें आपको कलरफुल कर देना है जिससे ये अच्छा लगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से आप चना वाला कर लो, चना वाला 25 ही है, ये यहाँ कहीं बन जाएगा 25 सस्ते में। अगला अगर देखो तिलहन दलहन में, तो भैया 1 30 है, 30 मतलब इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये तिलहन वाला, दलहन वाला 15 ही है, तो सबसे छोटा रहेगा, इस तरह से आपका ये सब बन जाएगा जितना है एकदम क्लियरली, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि आपका क्या क्या बन गया, इसे आप खूब कलरफुल कर लेना अच्छे से, डार्क में मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आपका दंड आरेख है, क्या है ये
दंड आलेख, आलेख या कहीं बोलते हैं, आप समझ गए ना क्या बोलते हैं इसे, दंड आरेख, सॉरी ये आलेख नहीं आरेख, ठीक है। दंड आरेख या बार ग्राफ भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ये थोड़ा सा समझने वाला है, आप कहोगे थोड़ा कठिन है ये, हाँ थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है इसमें, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करवा देंगे अभी आगे, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, शुरू से वीडियो को आप फिर से देख लेंगे तो कहानी तो नहीं समझ में आएगी, जो मैंने कहानी बताया पीडीएफ में दिखा करके उसमें कम समझ में आएगा, लेकिन इसको समझोगे समझ में आएगा। भाई सीधा सा बात है, आपको ऐसे आंकड़ा दिया होगा जिसमें कुछ भी चीज दिया होगा ऊपर नीचे उसके बारे में दिया होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो नाम यहाँ पे लिखे गए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे नीचे लिख लेना। लिखने के बाद इनका जितना लिमिट दिया होगा, इधर पैदावार दिया है, बारंबारता दिया है, प्राप्तांक दिया है, बच्चों की संख्या दिया, कुछ भी दिया है, उनको क्या करोगे आप, इधर साइड में लिखोगे और फिर उन्हीं के आकार के बराबर, जैसे गेहूं का 50 तक था तो इसका डंडा 50 तक बनाना है, जौ का 35 तक था तो ये डंडा कहाँ तक बनाना है भाई, 35 तक, स्तंभ जिसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे दंड आरेख बोलते हैं, मैं डंडा बोल रहा हूँ तो तुम कहोगे डंडा का, हो गया क्लियर। पाई ग्राफ, इससे पहले आपने दंड आरेख, पिक्टोग्राफ ये सब पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कमेंट करिए हम बता देंगे। तो पहले हम आपको किताबी परिभाषा दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ समझेंगे आप, उसके बाद फिर हम आपको बोर्ड पे उसके करवा देंगे। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। देखिए चलिए हम चलते हैं उस फाइल पे, आपको दिखाते हैं पाई ग्राफ होता क्या, इसके बारे में सब कुछ हम आपको विंडो स्क्रीन पे ले चलेंगे, आप भागिएगा नहीं। हाँ चलिए स्क्रीन पे, आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो, अभी बहुत कुछ देखोगे। चलो पेज नंबर 10 है ये, ओके। देखिए पाई ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा टाइप करवाया है, इसमें कुछ शब्दों की जो गलतियां होंगी उन्हें मैं स्क्रीन पे बता दूंगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग मास्टर हमारे अभी थोड़ा कच्चा है, बच्चा नहीं मतलब कच्चा, मतलब अभी सीख रहे। समझिए इस ग्राफ को बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करने वाला स्टेप कौन कौन सा है, आप देखो ए नंबर पे लिखा है ना, पाई ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त खींचा जाता है, ये सब आप सुन लीजिए, बाद में मैं बना के आपको दिखा दूंगा, पहले सुन लीजिए समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस वृत्त को देखो, यही मैं बोला कच्चा ना, यहाँ पर ब्रिज की जगह वृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल, ये शब्द ध्यान से समझो, ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हों, आंकड़ा मतलब वही डाटा, समानुपाती मतलब जानते हो ना, प्रोपोर्शनल होता है ना। आगे देखिए, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण का समानुपाती होता है, त्रिज्यखंड का जो कोण होता है वो केंद्र के जो बना क्षेत्रफल होता है एरिया उसका समानुपाती होता है, इसलिए केंद्र ओ पर बने कोण 360 अंश को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से समानुपाती भागों में विभाजित करके संगत क्षेत्रफल वाले त्रिज्यखंड प्राप्त कर लेते हैं या करते हैं। ये फार्मूला आप ध्यान से देखिए, इसी सूत्र को अभी लगाएंगे, ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर 360 अंश गुणे संगत बारंबारता और बटा बारंबारता योग, यानी 360 को संगत बारंबारता से गुणा करके बारंबारता योग से भाग कर देना है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे अभी बोर्ड पर ला करके आपको, पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए फिर हम हल करते हैं, ठीक है। कहता है एक गांव में 1500 पुरुष हैं, 1500 महिलाएं हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों बराबर हैं भाई, अगर आंकड़ा गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ है। आगे कहता है इसमें 1000 बच्चे भी हैं, इन आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पहले तो निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो टोटल जनसंख्या सब 4000 है। नीचे देखिए कह रहा है कि अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ पे भी एक शब्द की गलती है, वृत्त लिखा जाएगा बाबू, यहाँ पे व्यक्ति नहीं, वृत्त मतलब सर्कल, ध्यान रहे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वृत्त, जहाँ पे हमारा ये चल रहा है कर्सर। आप अपनी इच्छा अनुसार वृत्त की कोई भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लेते हैं, मतलब कोई भी त्रिज्या ले लेंगे और त्रिज्या से क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, फिर उसके ऊपर दिए गए सूत्र के द्वारा आंकड़ों से संगत त्रिज्यखंड द्वारा
केंद्र पर बनाए जाने वाले कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको करने के बाद क्या करते हैं, वृत्त की कोई एक त्रिज्या को परिधि से मिला देते हैं और इस त्रिज्या से प्रारंभ करके चांदी की सहायता से, सॉरी यहाँ पे चांदा रहेगा, चांदा जानते हो जिसे कोण ओण बनाते हैं, चांदे की सहायता से वृत्त के अपेक्षित कोणों के त्रिज्यखंड ओ में विभाजित कर लेते हैं। देखिए इसमें तीन शब्द की गलतियां मिली टाइपिंग की, आप उसे समझ गए होंगे, सही कर लीजिए। यहाँ पे चांदी और चांदनी की बात नहीं हो रही है, नहीं तो पढ़ाई से दूर हट जाओगे, यहाँ पे आपको चांदा लिखना है। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं, ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आई होगी लेकिन हम जो अब हल करेंगे वो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि यही तो समझना है। ये तो गणितीय परिभाषा थी, मैंने एक फर्ज निभाया आपको दिखाया। क्वेश्चन आप देख गए हो, एक गांव में 1500 पुरुष हैं, 1500 महिलाएं हैं, 1000 बच्चे हैं, इन आंकड़ों को पाई ग्राफ के द्वारा दिखाइए। तो हमें क्या करना है, मेन पाई ग्राफ बनाना है और एक चार्ट बनाना है, चार्ट नहीं चार्ट देखो, पद कुल संख्या और त्रिज्यखंड के कोण, क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड के कोण, ठीक है। आप ये तीन कॉलम बना लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, तो बना लो भैया। पद का मतलब कितने पद हैं, पहला क्या है पदनाम क्या है, पुरुष, ठीक है, इनका एक पद है, ये संख्या 1500 है, कितना है 1500। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, आपने पीछे देखा होगा, नहीं तो ऐसा वीडियो बैक करके देखिए, क्या बताया था, त्रिज्यखंड के कोण बराबर बताया था ना, कि 360 से गुणा करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, अरे भाई कुल जो संख्या है ना ये बारंबारता योग से भाग दे देंगे, तो भाई कुल संख्या कितनी है पुरुषों की, 1500 ही तो है, क्या कितनी है 1500 है ना, टोटल कितना है 4000 है, अभी आपने देखा कुल जनसंख्या 4000 है, तो हल कर लेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट दो ऊपर, ये भी कट गया, 15 × 90 उधर दिख रहा है ना, 15 × 90 हाँ फिर 9 × 15 = 45 कितना हो जाएगा, 15 × 45 5 × 50 = 54 = 40 हो रहा है, आधा हो रहा है, गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना, नहीं सही, नो गड़बड़, ये 4 भी तो बचा है, लिख लो 4 से काट दो, 4 × 4 12 चल, मतलब ये एंगल जो आ गया भैया 135 अंश आ गया, हमने इसे दो बार में हल किया इसलिए ये ऐसा हुआ, कितना आया 135 अंश, एक बार में काट सकते हो यहाँ भी, मैंने थोड़ा वहां कर लिया, एक लाइन और बढ़ गया। चलिए अगला क्या है, महिला, ध्यान देना लेडी फर्स्ट वाले इधर देखो, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे जुगाड़ से, बाकी आप चाहो तो पूरा नीचे लिख सकते हो, थोड़ा क्या जगह नहीं है पुरुषों की लाइन में, लेडीज को बगल हो जाना साइड में ना, मतलब अलग अलग लाइन लगेगी तो अच्छा रहेगा दोनों दिख, इनमें भी वैसे ही करेंगे 360, टोटल इनकी संख्या कितनी है 1500, ये भी किसी से कम नहीं, टोटल पॉपुलेशन 4000 है, वो भी वैसे ही हल करना है, तो मुझे बराबर आ जाएंगे, हाँ बराबर आएंगे, सीधी बात है आज के जमाने में पीछे कहाँ है, बराबर है तो बराबर ही आएगा, कट जाएगा तीनों जीरो काट लो, इनको हम एक बार में हल कर देते हैं, 4 × 9 = 36 15 × 9 = 135, इसी तरह से आप इसको भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो भाई महिलाएं पुरुष की बात हो गई तो फिर यहाँ पर महिलाएं और पुरुष हो, वहां बच्चे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बैठेंगे देखो की संख्या कितना है 1000, तो क्या करेंगे, इनको भी ऐसे कर देंगे 360 1000, टोटल नंबर कितना है 4000, फिर इनके 3 × 0 = 4 सब काट दो, 4 × 9 = 36 कितना आ रहा है, ये 3 × 0 कट गया ना, ये 90 डिग्री आएगा, लेकिन 90 डिग्री कैसे आएगा आप जरा सोचिए भाई, 3 × 0 ये यहाँ पे एक जीरो नहीं कटेगा, जो इसका काट दिया लपस है ना, ये नहीं कटेगा, ये 360 रहेगा, 4 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 0 इसके बगल वाला बचेगा ना एक, ये 90 आ जाएगा, इसको आप लिख लीजिए, बस आपको अब एक ग्राफ बनाना है बस सीधा,
मतलब मेन जो पाई ग्राफ है इन्हीं एंगल का आपको यूज करना है, ये मेन है। ये जो कोण मैंने निकाले हैं ना, इन्हीं को रखना है, एक पाई ग्राफ बनाना है। जल्दी से आप इसे लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा सा ये कपड़ा वपड़ा भिगो लेता हूँ मिटाने के लिए। हाँ दिखा दूँ अगर आप कहो तो, लेकिन मैं बेइज्जती काहे करवाऊँ, दिखा जाने दो। चलो जल्दी से फटाफट हो गया। चल भैया रेडी। अब क्या करेंगे, इसी पे हमें बनाना है वृत्त का ग्राफ। आप लिख लिए होंगे, लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, लिख लीजिए। देखिए इसकी जो कहानी आप हिंदी में पढ़ते हो वो समझ के बाहर है, मुझे खुद नहीं समझ में आता उसकी कहानी। हाँ लेकिन जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, बहुत मजेदार है, तो कोई दिक्कत। एक सर्कल बना लो सीधी, कोई बनाया नहीं हूँ, बन ही गया, संयोग मात्र है, और कुछ मत समझना। चलो बंद हो जा भाई, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए दो कोण आए थे, तीन कोण आए थे, 135 अंश का आया था, 135 का आया था, 55 का 90 आया था, यही आपको इस पे दिखाना है। जैसे जैसे अभी मैंने पिछले पूरा सिस्टम बताया था ना, वैसे ही करना है। एक बार फिर मैं दिखा दूं इसको कैसे बनाएंगे, स्क्रीन पे आ जाओ। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आ जाइए, देख लीजिए कैसे बनाना है, तरीका देख लीजिए। देखिए मेरा पाई ग्राफ को बनाने के लिए पहले एक वृत्त खींचा जाता है, और मैंने वृत्त को बना लिया, खींच लिया। इस वृत्त को ऐसे त्रिखंडों में विभाजित करते हैं जिसका क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हो, मतलब इनको बांट देना है अलग अलग, ठीक है। जैसे तीन भाग में इनको विभाजित करना है, क्योंकि आपने देखा महिलाएं पुरुष और बच्चे हैं। उसके बाद क्या कहता है, क्योंकि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है केंद्र पर बने कोण का समानुपाती होता है, इसलिए केंद्र ओ पर बने कोण जो है वो यहाँ पर देखो दिया गया है। हाँ ये सूत्र लगाना है, आप सभी जान ही रहे हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए कैसे बनाते, कैसे अपनी इच्छा अनुसार वृत्त की कोई भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर दिए गए सूत्र के द्वारा आंकड़ों का संगत त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों का मान निकाल लेते हैं। ये तो हो गया, तो कुछ करना है नहीं, मैंने कोण निकाल लिया है। फिर वृत्त की कोई एक त्रिज्या को परिधि से मिला देते हैं, त्रिज्या से प्रारंभ करके चांदे की सहायता से वृत्त के अपेक्षित कोणों के त्रिज्यखंड वो में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, चलो कहानी हो इस, आ जाओ फिर इसके फायदे देता हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं ले गया था क्या स्क्रीन पे, अभी इसके पहले जो मैं पढ़ा, जाने दो आप सुन तो लिए ना, मुझे कोई देख रहे थे क्या शायद आप लोग, लेकिन आप लोग सुन लिए ना, पीछे बैक करके देख लो, मैं दिखा दिया हूँ वो सब, ठीक है। तो कोई भी इसकी एक भाग को इससे मिला देते, तो बाकी कुछ नहीं करना, कोण निकालने के बाद ऐसे एक मिला दो, कोई भी तरफ को एक त्रिज्या मिला दो, फिर चांदा रख करके आप इन कोणों को बना लोगे बारी बारी। चांदा जानते हो जिससे कोण बनाते हैं, यहाँ कहीं पड़ा होगा मेरे पास में, तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं खोजना पड़ेगा, आप लोग पढ़े लिखे हो जानते हो चांदा क्या होता है ना, जानते हो, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, देखो अभी यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, देख लो, देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया, चांदा बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो आप फिगर में देख रहे हो चित्र में, इस पे रख करके 135 अंश का कोण खींच लेंगे। अगर आप अपनी तस्वीर लगा रखा है तो 135 अंश का कोण एकदम साइड में दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। 135 अंश आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे आप इसे रखोगे तो 135 अंश का कोण आपको इधर वाला लेना है, इधर वाला, यहाँ पे देखो 130 है जहाँ हमारा ये जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा मेरा कर्सर माउस का, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या जा रहा है, 30 जा रहा है, उसके बगल क्या 140, 140 और 30 की क्या है 135 वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 135 अंश का इसमें एंगल ड्रा कर लेना है। तो 135 अंश का इस पे जो एंगल ड्रा करेंगे तो ये लगभग भाई 90 का सीधा फीधा बनता है, आप जानते हो, ये थोड़ा पीछे को लटकेगा, हाँ बनेगा ना, ये ऊपर वाला जो एंगल है भैया ये क्या बन जाएगा 135, और हमें 135 इधर साइड में भी बनाना है, तो ये इधर साइड को थोड़ा सा लचक रहा है, नीचे वाला एक सीधा फीधा 90 बनेगा, याद रखना ये क्या है 135, बस इसी को हमें बनाना था। लेकिन हम क्या करेंगे,
ऐसे ही बना लेंगे और इनको अलग अलग आकार में आप दिखा दीजिए, जैसे आप थोड़ा थोड़ा रंगीन कर देना जिससे अच्छा लगे। अलग अलग तरह तीनों खाने होने, एक ही जगह है, ये आपका हो गया अलग तरह से। तो आप ऐसे कैसे कर देना, थोड़ा बहुत ये पाई ग्राफ हो गया। कोई भी डाउट है तो बताइए, हाँ ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए। हो गया पाई ग्राफ, बस यही बनाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने दिखाया वो पाई ग्राफ के द्वारा बना हुआ, ये एक आपका कंप्लीट सलूशन, ठीक है। तो इसके बारे में और कोई आपका अगर डाउट है तो बताइए। वैसे मैंने जो मेन टॉपिक था वो पूरा कर दिया, बाकी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए होंगे, कहीं से भी लेकर के आप एग्जाम्पल खूब सारा करिए, जितना करेंगे उतना।